ये है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। जिला स्तरीय वन महोत्सव आज झालावाड़। 31 जुलाई जिला स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन 1 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल झालरा पाटन में जिला पर्यावरण समिति के तत्वावधान में किया जाएगा। उप वन संरक्षण संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि इस अवसर पर पौधारोपण के साथ साथ राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना घर घर औषधि योजना का जिला स्तर पर शुभारंभ किया जाएगा। इसी दिन ब्लॉक स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्रत्येक परिवार को तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा तथा कालमेघ प्रत्येक के 2-2 पौधे, कुल 8 पौधे निःशुल्क वितरण किए जाएंगे। आयोजन के समय कोविड प्रोटोकॉल की पुण्य पालना की जाएगी। माँ बापू वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत किया पौधारोपण। झालावाड़ 31 जुलाई पंचायत समिति झालरा पाटन की ग्राम पंचायत दुर्गपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को माँ बापू वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत पौधारोपण किया गया। पौधारोपण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री निधि बीटी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रेरणा से और जिला कलेक्टर झालावाड़ हरिमोहन मीणा के निर्देशानुसार स्कूल परिसर में फलदार, छायादार एवं सजावटी पौधों चंपा, आंवला, अमरुद इत्यादि प्रजातियों के पौधे लगाए गए। उन्होंने कहा कि पौधों से ही पर्यावरण संतुलन बना रहता है, अच्छी वर्षा होती है, जल स्रोत भरे रहते हैं एवं मिट्टी का कटाव भी नहीं होता। पर्यावरण संरक्षण के प्रति बच्चों में प्रेम जागरूक किया जाए और पौधारोपण के लिए उन्हें प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत राजकीय कार्यालयों, चारागाह भूमि, सड़कों के दोनों ओर छायादार फलदार 2,90,000 पौधे लगाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि राजकीय कार्यालयों, विद्यालयों में अधिक से अधिक पौधारोपण के लिए प्रति ग्राम पंचायत में नर्सरी तैयार कर अधिक से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर हेमंत शर्मा ने कहा, पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पित भाव से प्रत्येक शिक्षक को एक पौधा लगाने का संकल्प लेना होगा। पौधारोपण कार्यक्रम में ललित पाटीदार ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन ग्राम विकास अधिकारी अनित पाटीदार ने किया। इस दौरान वाटरशेड के अधीक्षण अभियंता जीतमल नागर, पंचायत समिति झालरा पाटन के सहायक अभियंता हेमंत कश्यप, स्थानीय सरपंच लीलाबाई सहित विद्यालय के शिक्षक एवं ग्रामीण उपस्थित थे। बीपीए न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट, झालावाड़, राजस्थान की खबर।